आप में से कितने लोगों ने एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म भरा हुआ है? डराते बहुत है यार वो लोग फॉर्म भरते हुए। एक पेज का फॉर्म, ऊपर से चार चार पेज का इंस्ट्रक्शन। अगर फोटो की बैकग्राउंड वाइट नहीं होगी तो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। रॉन्ग नेम भरा तो तेको जेल हो जाएगी। यार इतना तो पासपोर्ट फोटो के टाइम पे होता था। रिमेम्बर आपको भाई पासपोर्ट का फोटो खिंचा है? सामने देखो, स्माइल कम करो, दोनों कान दिखने चाहिए। तो मेरी फोटो ऐसे आती थी हर बार। यार एक तो तुम पैसा ले रहे हो, ऊपर से डरा भी रहे हो। फिर एक दिन मेरे को कॉल आता है कि सर डैड का नाम क्या भरूं? तो भाई तेरे डैड का नाम मुझे क्या पता, मम्मी से पूछ कौन था वो। मैंने कुछ नहीं किया, मेरा कोई हाथ नहीं है इसमें। नहीं नहीं सर वैसे नहीं, मेरा ना एक्चुअली डैड का नेम 10th की मार्कशीट पे दिनेश कुमार बोस है, लेकिन हर जगह पे सब उनको डीके बोस बोलते हैं। तो मैं बताऊँ क्या भरूँ? तो अच्छा वैसे आ रहे हो यार, तूने तो मेरा करेक्टर असेसिन कर दिया था यार। मैं भी सोचूं कौन थी ये वाली। फिर एक दिन कॉल आया, सर 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 मैंने जेंडर गलत भर दिया है। अब क्या करूं भाई? तो दो चीज़ें हो सकती है, या तो ऑपरेशन करवा ले, थोड़ा टाइम लगेगा रिकवरी में भी, एंड सेकेंड ऑप्शन ही साड़ी पहन के एग्जाम देने जा, थोड़ा डिस्कम्फर्ट होगा, लेकिन जाते ऑरेंजेस पक्का लेके जाना। नहीं समझा ना जोक? मैम को पक्का जोक नहीं समझा। अब वो समझाएगा, बाद में समझाएगा, अभी नहीं, बाद में समझाएगा वो, ठीक है। तो यार तुम कॉल सेंटर कॉल करना भाई, मैं क्या कर सकता हूँ उसमें? आई एम सॉरी, आई कैन अंडरस्टैंड द सेंटीमेंट्स, आई कैन अंडरस्टैंड द टेंशन ऑफ द स्टूडेंट्स, आई डू हेल्प देम, बट मजा बताता है ऐसी चीज़ों में, ठीक है। तो अभी एग्जाम्स आर ऑनलाइन नाउ, सो यू हैव टू अपलोड द फोटो, यू हैव टू अपलोड योर साइन। सीमेट करके बीच में एक एग्जाम आया, सीमेट ने क्या बोला कि आपको यू हैव टू अपलोड योर थम इम्प्रेशन एज वेल, थम का इम्प्रेशन लो अपलोड करो। तो एक स्टूडेंट ने मेरे को ये व्हाट्सएप की फोटो, एंड यू बिलीव वो ये अपलोड करने वाला था। फिर एक दिन कॉल आता है स्टूडेंट का एकदम गुस्से में मस्त कि सर पेमेंट फेलियर आ रहा है, बार बार साइट डाउन हो रहा है, मैं पे नहीं कर पा रहा हूँ। तो मैं भी थोड़ा बैकफुट पे आ गया, क्या टेंशन में बच्चा। तो भाई विच प्रोग्राम यू आर ट्राइंग टू बाई? आई टेल माई टेक सपोर्ट टू हेल्प यू बाय अवर प्रोग्राम। तो बाय द विच प्रोग्राम यू वॉन्ट टू बाई? नहीं सर मैं तो बैंक पे का फॉर्म भर रहा था। तेरी माँ की, मैं क्या करूँ? उनको कॉल करना यार। नहीं सर उनको किया था कॉल, उन्होंने उठाया नहीं। हाँ तो मैंने उठा लिया तो तुम मेरी मारेगा? मोस्ट कॉमन क्वेश्चन विच आई गेट इज सर सेंटर कौन सा चूज करो? सो नाउ इफ यू फिल द एंट्रेंस एग्जाम फॉर्म, दे टेल यू टू फिल थ्री और फोर चॉइसिस। तो मेरे को फोन आता कि सर चॉइस कौन सी चूज करूँ, आपके ख्याल से बेस्ट चॉइस कौन सा रहेगा? ओके बेस्ट चॉइस नंबर वन पे डालो गोवा, पेट्रोल बहुत सस्ता है और बियर बहुत सस्ती है, एग्जाम कैसे भी चाहे मस्ती करके आएंगे। नंबर टू पे डालो श्रीनगर, नवंबर का टाइम है, बर्फ भी गिरने वाली होगी, मजा आएगा। नंबर थ्री पे डालो अमृतसर, के भाई चलो घरों के आएंगे अपने। नहीं सर मैं तो मुंबई में हूँ और मुंबई भी सेंटर है उसमें। तो डाल ना, मुझे क्या पूछ रहा उसमें। देन एग्जाम से एक दिन पहले फोन आता मेरे को कि सर बांद्रा सेंटर मेरा आया है एग्जाम के लिए, ये कहाँ पड़ेगा? तो बांद्रा में पड़ेगा, मैं कोई गूगल मैप हूँ? कि ओके गूगल किया, ओके सर टेल बांद्रा सेंटर। तो मैं क्या बोलता हूँ, शूज है सुबह पहनना और दौड़ना शुरू कर देना, तो बांद्रा पक्का पहुंचेगा।